डिजिटलाइजेशन के दौर में अब पासपोर्ट की तर्ज पर परिजन जेल में बंद कैदियों से ऑनलाइन तरीके से मुलाकात कर सकेंगे। जेल विभाग ने अनूठी पहल शुरू करते हुए राजस्थान में ई मुलाकात योजना लॉन्च की है। एनआईसी के सहयोग से शुरू की गई इस योजना को डीजी जेल एनआरके रेड्डी ने लॉन्च किया। आपको बता दें कि ई मुलाकात योजना के जरिए बंदियों के परिजन पहले जेल विभाग की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद जेल विभाग की ओर से परिजनों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा बंदी अब अपने परिजनों से घर बैठे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकेंगे। वह इस योजना से राजस्थान की जेल में बंद करीब 20,000 बंदियों को इसका फायदा भी मिलेगा। नहीं, ये ई मुलाकात और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी के बारे में है। ये प्रोग्राम काफ़ी दिन से चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी प्रोग्राम है, राजस्थान सरकार का भी है, बट क्योंकि आज कोरोना वायरस के इस वजह से जेलों में मुलाकात बंद कर दी है, तो नाउ वी थॉट दिस इज़ अ राइट टाइम टू इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दें और एक बार ट्रायल बेसिस पे भी चेक कर लें। लोग अपने लोगों से मिलने के लिए अपने इंटरनेट से अपने टाइम ले ले और आके मुलाकात कर ले, एक तो ये है। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी के बारे में, अब क्योंकि वो आके मिल नहीं सकते किसी अपने परिजन से कोई, तो ये सिस्टम इस वजह से लागू किया है कि अब मुलाकात पर्सनली नहीं हो पाएगी, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वजह से सब जेल में अगर किसी से मिलना है, बात करना है, तो एक दूसरे से देख के बात कर सकते हैं। एक ये प्रयास है ताकि लोगों को अपने लोगों से मिलने का इस कोरोना वायरस के पैंडमिक के दौरान थोड़ी सी अपनी तैयारी तो है हमारी। पिछले 3 महीने से अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन संजय के तहत, ऑपरेशन खाका, ऑपरेशन फुतरू करके हम लोगों ने प्रत्येक बंदी से, जो भी बंदी निरुद्ध हैं हमारे राजस्थान के कारागारों में, हर व्यक्ति से उनके मुलाकातियों की सूची ली थी, 10 लोगों की सूची ली थी, उसको सिस्टम पर अपडेट किया था। तो यह सुविधा उन्हीं 10 लोगों के लिए है। मैं ये चीज़ बड़ा स्पष्ट करूँगा कि बंदी ने जिस आदमी से मिलने के लिए, जिससे संपर्क रखने के लिए 10 लोगों का नाम दिया है जो हमारे सिस्टम में, ई प्रिजन के सिस्टम में लॉक है, उन्हीं में से कोई आदमी इसको यूज कर सकता है। जो पहले आप देख रहे थे कि एक विंडो पे पूछता है कि आप कौन है, अपने बारे में बताइए, तो हमारा सिस्टम उस चीज़ को चेक करता है कि ये उस सिस्टम में वो बंदी हमारे यहाँ है कि नहीं है। फिर यह चेक करता है कि उस बंदी से मुलाकात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ऐसा तो नहीं कोई और पहले मिल के चला गया हो, क्योंकि 7 दिन में एक बार और 15 दिन में एक बार के अलग प्रोविजन्स होते हैं। और फिर यह चेक करता है कि ये आदमी इनलिस्टेड है कि नहीं है, मिलने वाले मुलाकात।